रसम बनाने के लिए मैं कुछ मसाला कूट लूंगी। तो एक खरबट्टे में मैं आधी चम्मच जीरा डाल देती हूँ, काली मिर्च डालूंगी, लहसुन की कली। अभी इन सबको अच्छी तरह से कूट लेती हूँ मैं। इस तरह से अच्छे से कूट लिया है मैंने। अब एक बाउल में मैं इमली का पानी डाल देती हूँ, इमली का पल्प। इमली को मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखी थी, भिगो कर अच्छी तरह से पानी निकाल लिया इमली का। इसी के साथ डाल देती हूँ दो टमाटर मैंने काट कर लिए। टमाटर को मैं इमली के पानी में इस तरह से मैश कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मैश कर लिया मैंने टमाटर को। रसम बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन में मैं दो चम्मच ऑयल ले लूंगी, राई डाल देती हूँ, कड़ी पत्ते और दो सूखी लाल मिर्च तोड़ कर लिए मैंने, ये भी डाल देती हूँ। हींग डालेंगे, एक कूटा हुआ मसाला डाल देती हूँ, जो हमने लहसुन वो सब कूटे थे वो इसमें डाल देती हूँ। सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। टमाटर और इमली का पल्प दोनों डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल दूंगी, आप आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा। और लगभग 10 मिनट हम इस रसम को ऐसे ही उबलने देंगे। हरे धनिया की पत्ती अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। रसम अच्छी तरह से उबल रहा है, अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। इसे कितना आसान है।